Hello everyone, this is lecture 2 on polynomials. So as I have told you in lecture 1, today I will discuss about zeros of a polynomial and its geometrical meaning. So without wasting any time, start karte hain aaj ke first topic se, which is value of a polynomial at x equals to k. Matlab aapko agar kisi bhi polynomial ki kisi bhi random real number pe value find out karni ho to kaise kar sakte ho. Suppose px is x square minus 3x minus 4 and आपको इस polynomial की value required है just suppose that x equals to 2. बहुत simple है, just replace this x by 2, p2, 2 square minus 3, 2 minus 4. मैंने यहाँ x को put किया है 2. जब भी आप putting करते हो तो आपको brackets जरूर use करनी चाहिए सो दैट मिस्टेक्स ना हो. मिस्टेक्स चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं अगर आप ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते हो. दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 6 माइनस 4 एंड वैल्यू इज माइनस 6 विच मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल पीएक्स वैल्यू ऑफ पीएक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2 इज p2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 6. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एनी पॉलीनोमियल पीएक्स at any real number k is denoted by pk. अब हम चलते हैं हमारे next topic पे, which is zero of a polynomial. Now the next is zero of a polynomial. A real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equals to zero. एक ऐसे real number को polynomial की zero कहा जाएगा जिस number पर polynomial value attain करे zero k equal. अब मैं वही पॉलीनोमियल यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसकी वैल्यू हमने 2 पर फाइंड आउट की थी एंड इट वाज माइनस 6. अब आप इसी पॉलीनोमियल की वैल्यू माइनस 1 पर अगर फाइंड आउट करो, माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, बिकॉज ऑफ स्क्वायर इट विल बिकम पॉजिटिव एंड 1 प्लस 3 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज 0. Now you find its value at 4. 4 square minus 3, 4 minus 4. 4 square is 16 minus 12 minus 4. 16 minus 16, it is again equals to 0. According to the definition, minus 1 and 4 are the zeros of this polynomial. बिकॉज उसने बोला था कि एक ऐसा रियल नंबर जिस पर पॉलीनोमियल वैल्यू अटेन कर ले जीरो, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल. अब एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर. हियर आई एम टेकिंग पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3. अब मुझे इस पॉलीनोमियल की जीरो फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे ऐसे एक्स के वैल्यूज बताने पड़ेंगे जहाँ पे पॉलीनोमियल अटेन कर ले वैल्यू जीरो. तो मैं इसे खुद ही जीरो के इक्वल रख देती हूँ एंड फाइंड आउट कर लेती हूँ x की वैल्यू. माइनस 3 अपॉन 2 इज दैट वैल्यू जहां पे पॉलीनोमियल अटेन करेगा वैल्यू 0. दैट मींस माइनस 3 बाय 2 इज द 0 ऑफ पॉलीनोमियल px इक्वल्स टू 2x प्लस 3. दिस मेथड इज नोन एज एलजेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग जीरोस. Now our next topic is geometrical meaning of the zeros of a polynomial. Zeros का मतलब होता है values of x at which polynomial attains the value zero. अब जैसे algebraic method में आपने देखा to find out zeros, हम polynomial को directly zero के equal रखेंगे और x की values निकाल लेंगे. अब हम देखते हैं graphically zeros कैसे find out की जाती हैं. तो यहाँ मैंने consider किया है एक linear polynomial, because इस polynomial की degree है 1, so we will call it linear polynomial. सबसे पहली बात तो ये है कि लीनियर पॉलीनोमियल का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. अब यहाँ जो पॉलीनोमियल मैंने कंसीडर किया है उसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है यहाँ पे. जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज चेंज होंगी वैसे वैसे पी एक्स की वैल्यूज चेंज होंगी. तो यहाँ एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है एक्स को और वाई एक्सेस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यूज ऑफ पी एक्स. तो इसीलिए मैंने इसको वाई के इक्वल लिया है यहाँ पे. अगर आप एक्स को जीरो पुट करोगे तो वाई वुड बी 3. x को माइनस 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1. सो ये है हमारे पास 0.3 पॉइंट एंड दिस इज माइनस 2.1. अब आप जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट तो होगी. अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है. तो
0.3 बनेगा वाई एक्सिस पे बिकॉज एक्स इज जीरो एंड -2.1 यहाँ पर बन जाएगा. इन दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पे. अब आप केयरफुली ऑब्जर्व करो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है ऑन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज -3.0 विच मीन्स x is -3 and y is 0 which means px is 0 क्योंकि y तो हमने px की place पे ही लिया था. That means at x equals to -3 px is 0 which means -3 is the 0 of this polynomial. Also by algebraic method px equals to 0 implies x plus 3 equals to 0 which is x equals to -3. -3 is the 0 of polynomial px. अब आपने देखा कि ग्राफ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था तो यहाँ पे वो x कोऑर्डिनेट पर आपका पॉलिनॉमियल अटेन कर रहा है वैल्यू 0. तो दैट मीन्स कंक्लूजन ये हुआ कि ग्राफ जितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही पॉइंट्स पॉलिनॉमियल की 0 बन जाएंगे. तो फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ जीरोस का? जीरोस आर दोज एक्स कोऑर्डिनेट्स एट विच ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस. अब यहाँ हमने कंसीडर किया था लीनियर पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ बनता ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन और इसका ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट सो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0. कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइंस भी तो होंगी जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस लाइन y इज इक्वल्स टू 2 विच इज px इक्वल्स टू 2 बेसिकली अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. रीज़न क्या है कि आपको कोई ऐसा x नहीं मिलेगा जो कि 2 को 0 बना दे. मतलब पॉलिनोमियल कभी भी 0 वैल्यू अटेन कर ही नहीं सकता बिकॉज इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है 2 है. तो कोई भी x पे इसकी वैल्यू 0 तो नहीं होगी ना. विच मीन्स अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो 0. नाउ वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इक्वेशन हैज वन ऑफ द टू शेप्स ईदर ओपन अपवर्ड्स लाइक दिस और ओपन डाउनवर्ड्स लाइक दिस. ये शेप्स डिपेंड करती हैं ए पर. अगर ए की वैल्यू होगी पॉजिटिव तो शेप आएगी कुछ ऐसे और अगर ए की वैल्यू होगी नेगेटिव तो देन शेप वुड बी लाइक दिस. दीज कर्व्स आर नोन एज पैराबोलास. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर और आपको बेसिकली प्लॉट करने के लिए नहीं दिया जाएगा. क्लास 10th के अंदर आपको प्लॉटिंग के लिए ग्राफ नहीं दिया जाएगा. आपको जीरोस का कॉन्सेप्ट समझना है. ओके तो वो मैं आपको समझाती हूँ डायरेक्टली बुक से. नाउ यू कैन इजीली सी ऑल द पॉसिबल केसेस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हियर. इन केस नंबर 1 ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड ए डैश. इन केस नंबर 2 ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट. Here A and A dash coincide to become A. In case number 3, graph does not cut the x-axis at any point. तो इसका मतलब ये हुआ कि quadratic polynomial का graph या तो x-axis को किसी भी point पर cut नहीं करेगा. अगर करेगा तो maximum 2 points पर cut करेगा. So the result is graph of a quadratic polynomial can intersect x-axis at most 2 points. Quadratic polynomial का graph x-axis को intersect कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 points पर. और अब आप जानते हो किसी polynomial का graph जितने points पर x-axis को intersect करता है उतनी ही polynomial के पास zeros होती हैं. तो अगर हम zeros की terms में बात करें तो we can say a polynomial of degree 2 has at most 2 zeros. Or I can say a quadratic polynomial can have either 2 distinct zeros
जब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स और इट कैन हैव वन जीरो और आई कैन से टू इक्वल जीरोस बिकॉज पॉइंट्स वर कोइंसाइडिंग इन द ग्राफ और इट कैन हैव नो जीरो जब ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पर. नाउ सेम इज विद क्यूबिक पॉलीनोमियल. अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री हैज एट मोस्ट थ्री जीरोस. This is page number 27 of NCERT. Here we have a very important remark. Graph of a polynomial of degree n intersects the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial of degree n has at most n zeros. जितने points पर graph intersect करेगा ज़्यादा ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा ज़्यादा zeros हो सकती हैं polynomial की. Now let's do this example number one, जहाँ पे कुछ polynomials के graphs आपको दिए हुए हैं and you have to find the number of zeros. अब first पार्ट के अंदर आप देखो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी वन. यहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है टू पॉइंट्स पर, तो नंबर ऑफ जीरोस वुड बी इक्वल्स टू टू. थर्ड में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे तीन पॉइंट्स पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस वुड बी थ्री. यहाँ पे एक पॉइंट पर कर रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट पर कर रहा है, यहाँ पे आप देखो वन टू थ्री एंड फोर, नंबर ऑफ जीरोस वुड बी फोर. Now this was all about today's lecture. आपको करनी है exercise 2.1 of NCERT and in the next lecture we will discuss relationship between zeros and the coefficients of a polynomial. So do watch the next lecture.